धरती ते शांति सेवकाई जो 1988 तो पूरे पंजाब भारत अते विश्व लई बरकत दा कारण बन रही है। धरती ते शांति ट्रस्ट के मुखी संत सुंदर लाल जी वल्लों रूह नाल भरपूर परमेश्वर दा वचन अते भजना नूं संत सुंदर लाल मिनिस्ट्रीज चैनल ते सुन सकते हो अते आत्मिक जागृति शांति सम्मेलन अते प्रार्थना करवाउण लई तुसी इन्हां नंबरां ते संपर्क कर सकते हो। आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। आदरयोग परमेश्वर दे दास परमेश्वर दीयां दासियां ते आदरयोग सारी संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारियां नूं बरकत देवे और वड्डी कृपा करे। आज दा ये पवित्र दिन इस महीने दा अप्रैल दा पहला सब्बत दा दिन तुसा सारियां दे लई वड्डियां आशीषां दे नाल भरपूर होवे। समय नूं ध्यान च रखदे होए अज आपां प्रभु भोज भी लैणा है और कईआं नूं बपतिस्मे भी देने आ। सो सारियां गल्लां नूं ध्यान च रखदे होए आपां थोड़े समय दे लई खुदा दे दासां दे कोलों जो उहनां दे मन दे विच प्रभु ने पाया उह सुणांगे ते नाल ही उह अपने घट्टो घट्ट 3 महीने दे सफर दे विच इत्थे रहे आ ते जो भी खुदा ने उहनां दी जिंदगी च कम कीते आ उह सिस्टर जी भी गवाही देणगे ते सारे ध्यान दे नाल सुणीए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु दे दासां नूं दासियां नूं प्रभु दे संतां नूं जय मसीह दी सारिआं नूं। सो परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां अज दे वड्डे फजल दे लई इस प्यार दे लई इस दया दे लई उहदा धन्नवाद करदे कि परमेश्वर ने गुजरे समें दे विच गुजरे सालां दे विच संभाल के रखे अज तक उहदी कृपा दे लई उहदा धन्नवाद करदे हां। हालेलुया। सो शायर बड़ी वधिया गल इहदा मसीह गुलदस्ता चारे पासे प्यार दी महक खलारेगा। मसीह गुलदस्ता चारे पासे प्यार दी महक खलारेगा चैन तसली दे दुखियां नूं तपदे हिरदे ठारेगा। डुबदा डुबदा तरे हर पापी असीं इह दिल तों चाहुंदे हां आओ फिर नाम मसीह दा लै के अगे कदम वधाउंदे हां। हालेलुया हालेलुया। सो थोड़े समय दे विच परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। थोड़ा समां लवांगे जिस तरह प्रभु दे संतां ने दस्सिया। सो 3 महीने 9 तरीक नूं सानूं हो जाणे आ। परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां कि बहुत सत्कार मिलिया चर्च दे विचों जिथे जिथे भी गए परमेश्वर ने बड़ी अगवाई की। सो लास्ट ऐतवार आ साडा इत्थे जिहड़ा अज दा आ। सो परमेश्वर बड़ी दया करे। सो सारे दुआवां दे विच याद रखना परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। सो जिस मकसद लई आए ही जाना ही 5 मार्च नूं ते 23 तरीक दा 23 मार्च दा प्रोग्राम भी परमेश्वर ने दिखाया तुहाडियां सारे दीआं दुआवां दे नाल। सो जसविंदर कौर दे भरा दा जिदा शादी बारे सगा वह भी परमेश्वर ने इंतजाम किया शादी होई उहदे विच भी परमेश्वर ने वड्डी जित दित्ती। जिथे जिथे भी गए हाँ परमेश्वर ने अगवाई की शरीरां दी भी तंदुरुस्ती बनी रही जिथे भी गए हाँ उन अज तक सानूं संभाल के रख्या। सो वड्डी गल आ परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। सो बहुत बारी असी अज देखते हैं कितों कितने पहुँचाता परमेश्वर ने किदा गरीबी वाले हालात सके परिवार के विच जे अज भी आप सारे परिवारों के बारे देखिए पापा किदा दे सके पहला तो अज उन्हें कितने पहुँचा दिता है उहदी दया है उहदी कृपा है कोई खूबी नहीं अपनी। हालेलुया। असी कितने जहाज झूटने ही तुरन वाले ही सैकलों पर जाने वाले ही गड्डियां दे विच उहने सैरां करातियां जहाजां सैरां करा दित्तियां ते उहदी कृपा है उहदी दया कोई खूबी नहीं हैगी। जे आपां जिन्ने भी आपां अधीन हो के चलांगे
जिस तरह दरखत फलों के नाल भर जाता अधीन हो जाता नीवा हो जाता झुक जाता उन्ना ही ज़्यादा फलों के नाल भरदा। जे आप सचमुच अधीन होवांगे तो सचमुच समय समय के नाल जो परमेश्वर साढ़े जीवन काम करता शुक्र गुजारी दी भेटा वो घर लैके आवेंगे तो सचमुच परमेश्वर किसी चीज़ की थोड़ नहीं रहन दिता। हालेलुया हालेलुया। तो एक परमेश्वर के वचन मैं शॉर्ट दसना चाहता पढ़ा कि नहीं लुका की जी 17:17 नवे नेम चो मत्ती मरकस लुका तीजी किताब आ पढ़ा कि नहीं निशानी जरूर ला लियो आप शायद जेडे पढ़ते उन्होंने पता आ 11 तो जो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जदों जरूशलम जा रहे सके तो सामरिया के गलील दे विच दी लंघ रहे सके तो 10 कोड़े प्रभु यीशु मसीह नूं टकरे पिंड दे विच बण लगे जदों 10 कोड़े टकरे ते कोड़े जिहड़े हुंदे सी जां जे बीमार हुंदे सी ना उन्हां नूं बीमारियां बहुत तरह दियां सगियां ते उन्हां नूं शहरों बाहर ही रखिया जांदा सी घरां दे विच नहीं रख सकदे सी बीमारां नूं। ते जे जजक जिहड़े हुंदे सी उह तां प्रधान हुंदे जिहदा पाठी जां ग्रंथी कोई लै लो कह लो ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਜੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਦਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਮਰੀਆ ਦੀ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 10 ਕੋੜੇ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਜਕਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ 10 ਜਣੇ ਹੀ 10 ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਪਰ 10 ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ 9 ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ 9 ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 10ਵੇਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੋਈਆ ਹਾਲੇਲੋਈਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਜਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਾਰਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਨ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, 4th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
मान लो बीमार कैंसर की उन्होंने बीमारी हो गई सी, तो मेरे डैडी का सारा ही पैसा उन्होंने बीमारी से खर्च हो गया सेगा। असी बहुत ज़्यादा गरीबी की हालात में चल गए सके, तो मेरे जेडे चाचे से उन्होंने सानू अपने घर चो कढ़ दिता। जो उन्होंने सानू अपने घर चो कढ़िया तो असी बहुत ज़्यादा जाने के परेशानी के गरीबी के जाने के हालात जोड़े साढ़े बहुत ही ज़्यादा माड़े से, और इन्ह सारे हालातों का मेरे उत्ते बहुत असर सेगा। मैं अपने माँ बाप की वड्डी बेटी हाँ, जिदा मैं अपने घर से वड्डी हाँ, तो मैं सी छोटी, पर मेरे उत्ते बहुत ज़्यादा प्रैशर सेगा इस चीज़ का। मैं सोचा भी मैं लाइफ जीनी नहीं, मैं अपने आप को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मान लो मैं छोटी उम्र में ही जाने के मैं इन चीज़ों बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग गई कि असं किदा जीवे। मैं अपने माँ बाप को दुखी हालात में देख नहीं सकती सी, मैं क्या मैं ख़त्म हो जाना। तो एक दिन इदा ही होया, मैं फैसला ले लिया भी जिदन मेरे माँ बाप घर ना होए मैं जहर खा लेनी आ। मैं सच्ची जिदा भैन भरावो मैं जिदन मेरे माँ पे घर नहीं है सके मैं सच्ची जहर खा ली। जो मैं जहर खा के अपने बैड मंजे के उत्ते पई हाँ, इदा वेहड़े में मंजा सेगा घर के उस दिन कुछ भी चीज़ साढ़े खाने है नहीं सी, बहुत ज़्यादा गरीबी वाले हालात सके। तो मैं इदा रब नाल ही जिदा मेरी जी अंदरली तार आ मेरी उस खुदा नाल जुड़ गई। मैं उस खुदा नूं नहीं सी जानदी, तुसी सोच सकते हैं जो मैं चौथी क्लास में पढ़ती सी, अज तो किन्ने साल पहलां दी गल आ, अज मेरी उम्र 44 साल की आ। तो उस वेले प्रभु यीशु मसीह का नाम जाने के जिदा हुण तां जिहड़े नहीं प्रभु नूं मानदे उन्हां नूं प्रभु बारे पता आ। उस वेले प्रभु यीशु मसीह का नाम साडे प्यो दादियां ने किसी ने भी सुनिया नहीं सी, आले दुआले कोई चर्च नहीं सीगा, तो साडे घर का दरवाजा खड़ गया उस वेले। तो मैनूं आवाज़ आई कि बेटा घर तो बाहर आ। मैं क्या कोई मंगण वाला ही होना है? मैं क्या भाई भी तुसी अगले घर चल जाओ भी साढ़े घर कुछ भी तुहानू देण लई नहीं हैगा। वो कहिंदे बेटी घर तो बाहर आ, कहिंदे मैं तैनू कुछ ते तो लैण नहीं आया, तैनू कुछ देण आया। जिद्दे मैं अपने घर तो बाहर आई मैं क्या दस, मैं क्या भाई मैं तो हुण अगले पलां च जिद्दां खत्म होने वाली हाँ, भाई पता नहीं कौन आके मैनू परेशान करन लग गया। साढ़े घर के दरवाजे के बाहर एक बंदा खड़ा सीगा, तो उन्हें मेरे सिर पर हाथ रखिया, तो मैनू प्रभु यीशु मसीह दीआं सत्त किताबां दित्तीआं। वो प्रभु यीशु मसीह की बाणी सी, तो उन्हें नाल ही मैनूं यह कहा, कहिंदे तुसीं इन्हां नूं पढ़ो, इत्थे विश्वास करो, तुहाडे सारे हालात जिहड़े बदल जाणे आ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ, मैनूं पता ही नहीं कि मैं जहर खाधी आ, मेरा साढ़े मेरे हालात कदों बदल गए, मेरे दिल दीआं सोचां कदों बदल गईआं, मैनूं पता ही नहीं। जदों मेरे घर दे इदां आए तो मैं क्या भी मैनूं कोई इदां बंदा आया सी, वह प्रभु इदां प्रभु बारे तो पता नहीं सी। मैं क्या किताबां दे के गया कोई, है ना, क्योंकि समझ ही नहीं लगती सी भी इन्हां किताबां विच की लिखा आ, किहदे बारे आ इह किताबां, है ना। तो समा आया, चलो मेरे नान मैनू नानके घर भेज दिता मेरे माँ बाप ने, मैं उत्थे पढ़ना शुरू किया। जदों पढ़ते पढ़ते उत्थे हालात इदा दे, साढ़े घर दे मेरे नाना जी बहुत बीमार हो गए, किसी ने प्रभु बारे सानू दसिया, तो जदों दसिया तो मैं उन्होंने किताबा दिखाइया, तो वह कहें भी तेनों तो प्रभु ने चुनिया, तेरे को पहले ही बचन आ चुका है। तो जदों प्रभु चलो चलते चलते समा आया, प्रभु ने मैनू चुनिया, मैं तौबा की बपतिस्मा लिया, उस ही समय दौरान सानू प्रभु के दास मिले, इन्होंने साडे लिए दुआवां कीतियां, प्रभु का आत्मा मिलिया, उस आत्मा की अगवाई दे विच अज तक प्रभु मैनू उस आत्मा की अगवाई चला रहा है। तो प्रभु ने मेरे नाल गल की कि वह जिहड़ा बंदा आया सी ना, कोई इंसान नहीं सीगा, कि मैं खुद ही सीगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करदी हाँ, तो जे खुद ही आया सीगा तो उन्हें आके मैनू बदलिया, मेरे परिवार को बदलिया, मेरे घर के हालातों को बदलिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करदी हाँ, प्रभु ने साडियां सारिया गरीबियां दूर कीतियां, सारिया परेशानियां दूर कीतियां, और अज प्रभु ने सानू मेरे माँ बाप नूं इदां दा घर दिता। लोग पुछदे आ कि तुसीं नक्शा कित्थों लिया, और यह सारी खुदावंद यीशु मसीह दी किरपा आ। हुण असीं जिद्दां ही असीं इटली तों आउणा सीगा, असीं प्रभु दे अगे जो मसले रखे सीगे, प्रभु ने साडा इक इक मसला हल कीता। उन्हां विच इक भी मसला इदां दा नहीं जिहड़ा मैं वापस लै के जा रही हाँ। मैं अपने खुदा का बहुत धन्यवाद करती हाँ, सचमुच साडा परमेश्वर आ जिहड़ा सानू कदी भी शर्मिंदा नहीं होण दिंदा। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ, ओहदी इस ग्रेस लई, ओहदी इस किरपा लई। हालेलुया, धन्यवाद करती हाँ प्रभु ने जिदा मेरे ते कीती आ। खुदावंद आप सब ते ऐसी किरपा करे, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हाँ। सारे नू प्यार भरी जय मसीह दी। आओ अपनी अखां नू बंद करांगे, आपां प्रार्थना करांगे। हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान सेना दे जहोवा मेहरबान प्रभु, असीं तेरे अगे निमर हुंदे आ, झुकदे आ परमेश्वर, अपने आप नू खाली करदे आ परमेश्वर। तुसीं साडे सारे उत्ते अपनी वड्डी किरपा नू बहाल करो खुदावंद, जिन्ने सैर तेरी हजूर च झुकिया खुदावंद, इक इक नू नाम बनाम बरकत दे महान प्रभु। तेरे हजूर च अज तेरा कोई भी बच्चा खाली ना जावे महान प्रभु, अपनी पवित्र प्रेजेंस नाल अपने बच्चे नू ब्लैस कर, इन द नेम ऑफ जीजस। खुदावंद जो शरीर विच कमजोरियां चलियां जाण पिता परमेश्वर, तेरे लोग हील होण जिस मसीह दे नाम विच महान प्रभु, अज तेरे लोग डिलीवर होण जिस मसीह दे नाम
ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਾ ਰਵੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਕਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਕਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਤ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਤ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ
मेरे उत्ते भी कर सकता है। ते तुहाडी मुख दे विचों निकले हुए इहो जे शब्द उत्साह दे दलेरी दे बहुतियां जिंदगियां च जान भर सकदे आ, ते बहुत निराश लोकां दे अंदर आशा पैदा कर सकदे। रूह दे नाल बोले हुए शब्द भावें तुसीं सधारण तरीके नाल बोलदे हो, परमेश्वर उन्हां नूं जुगां जुगां दे लई हजारां हजारां सालां दे इक यादगार बना दिंदा। जिहड़ी अब्राहम दी पत्नी सी सारा, जिन्हों बड़े लंबे समय बाद पुत्र की बरकत मिली, उन्हें आ शब्द कहे। उत्पत्ति पुस्तक 21 उसकी 5 च लिखा है, 5 ते 6 है। अब्राहम 100 बरिया का सी जां उसका पुत्र इसहाक उसके लिए जमया। हाँ, उपरंत सारा ने आख्या, लो जी ध्यान नाल सुनिए, अब्राहम 100 साल का सी जदों उसके घर इसहाक पैदा होया। अज इहदे बारे तुसीं आ बच्चियां दे कोलों संडे स्कूल दे विच सुनिया है, 100 साल का सी। अगे उपरांत सारा ने आख्या, हाँ उसकी पत्नी का नाम सारा सी जिहदा मतलब राजकुमारी। सारा ने आख्या, परमेश्वर ने मैनू हसाया है। हाँ, किने हसाया? जिन्हों रब हसाउंदा ना वो बंदा हसदा ही रहिंदा। ताली बारी जिन्हों रब हसा ओदा हासा कदी भी खत्म नहीं हुंदा, ओदी खुशी कदी खत्म नहीं हुंदी, ओदा आनंद कदी खत्म नहीं हुंदा। जिन्हों रब उच्चा करे वो उच्चा ही रहिंदा, भावें भावें सारी दुनिया ते भावें हालात उन्हों सुट देन, पर वो डिगया भी लोगों की निगाह उच्चा ही रहिंदा है, उसकी इज्जत बनी रहती है। रब ने मैनू हसाया है, मेरा मैसेज नहीं गा, पर मैं इत्थे दसना चाहुंदा भी जे तुसी रब तो कुछ लेंदे हो, गुरु तो कुछ लेंदे हो, प्रभु तो कुछ लेंदे हो, ते तुहाडे कोल देण नूं बहुत कुछ हो, खाली पैसा ही नहीं। पैसा भी दियो, पर उस तो इलावा जिहड़े काम तुहाडी जिंदगी च खुदा करदा, खुल के उहनां दी अपने समाज विच, अपने लोकां दे विच, अपनी कलीसिया दे विच गवाही दी। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਚਿੰਨ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ? ਹਾਂ, ਗੁੜੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਆ 37ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉੱਦਣ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
इसे लिए उन्हें मैंने चुने आया ते इसे लिए मैं है गया। पढ़िए उपरांत सारा ने आख्या परमेश्वर ने मैनु हसाया है हाँ अते सारे सुन वाले मेरे नाल हसणगे। लै ये भविष्यवाणी है सारे ही सुन वाले मेरे नाल अज भी जेड़ा सुनदा ओदे अंदर भी ये विश्वास आ जांदा कि जे बढ़ेपे दे विच खुदा सारा नूं पुत दे सकदा ते ओह सानू भी बरकत देण दी ताकत रखदा। अकड़ी तकड़ी गवाही एक लैन दी बस सारे ही सुन वाले मेरे नाल जिद्दां दी बरकत रब ने मैनू दित्ती आ जिद्दां दा हासा रब ने मैनू दित्ता आ जिद्दां दी खुशी परमेश्वर ने मैनू दित्ती आ जिन्ने सुनगे खुदा उन्हां नूं भी खुशी प्रदान करे। ये सारियां गल्लां दे पिछे तुहाडी निश्चा आ ये सारियां गल्लां दे पिछे की है तुहाडी निश्चा विश्वास जिस तरह आपां हुणे गवाही सुनी है खुदा ने उन्हां दी जिंदगी च बहुत वड्डे काम कीते पर उन्हां नूं सधारण समझदे सी मौत तो जिंदगी दित्ती मौत नूं जीवन च बदलिया पर कई बारी असी उन्हां गल्लां दी जां उन्हां दर्शनां दी अहमियत नहीं समझदे असी उन्हां नूं नॉर्मल जिहा समझदे असल च देखिया जावे तो ही साड़ी जिंदगी दी जड़वा अज जेड़ी साड़े को निश्चा आ इन्हें सानू अमीर करना आ इन्हें सानू स्वर्ग च लैके जाना इन्हें सानू चंगाई देनी है इन्हें सानू बरकतां देनियां आ जिदा चुंबक लोहे नू अपनी वल खिंचदा इदा इसे निश्चा ने साडे वल बरकतां नू खिंचना आ। असी इस निश्चा नू ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਮੋਥੀਅਸ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਤ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ
रब दा प्रेमी संत पौलस ये बयान करता है, कहिंदा मैं निश्चा दी सांभ कीती है। इहदा मतलब निश्चा नू कमजोर करन दे लई, निश्चा नू साडे कोलों खोण दे लई चार सफेरे कोई ना कोई शक्ति हैगी। तद वह कह रहा कहिंदा मैं निश्चा दी की कीती आ, इनू मैं गुआया नहीं, इनू मैं कमजोर नहीं होन दिता। जे तुहाडी निश्चा कमजोर है तो तुसी कमजोर है। कमजोर का मतलब डावांडोल, ना अगे जोगे तो ना पिछे जोगे। जे तुहाडी निश्चा तकड़ी है फिर ध्यान नाल सुनिए, फिर तुहाडी निश्चा नूं खोण वाला तुहाडा दुश्मन कमजोर है। जे तुहाडी निश्चा तकड़ी है ते जे तुहाडी निश्चा कमजोर है ते फिर तुहाडा दुश्मन तकड़ा है। ते तुसी किसी सूरत विच भी अग्गे नहीं बढ़ सकते। जे अग्गे बढ़ना है तो फिर निश्चा दे विच तकड़े होना पैना। ये निश्चा या विश्वास है जेदे जरिए तुसी अपने गुरु तक भी पहुंच सकते हो कि ओदियां सारियां रूहानी और जिस्मानी बरकतां दे हकदार भी बन सकते। ते आज संसारिक चीजां हुण जिहड़ा समां जा रहा, संसारिक चीजा च अमीर होने की जरूरत नहीं, हुण जरूरत है बई निश्चा दे विच अमीर बनिए। जदो तुसीं निश्चा च अमीर बनोगे, अमीर का मतलब तकड़े, ते फिर तुहानू किसे चीज की भी घाट नहीं रहनी, फिर ही घाट रहनी। क्योंकि साडे विरोधी शैतान का सब तो बड़ा टारगेट, तुहाडे दुश्मन का सब तो बड़ा निशाना, उहदा फोकस सब तो बड़ा जानते हो की है, तुहाडी निश्चा नूं खोना, तुहाडे विश्वास नूं कमजोर करना, तुहाडा विश्वास चट्टान वर्गा ना बने, तुहाडा विश्वास चट्टान वर्गा ना बने। इसलिए ओनू ओने शैतान ने किते ना किते खोरा लाई रखना। कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, कदी शरीर वालों, कदी परिवार वालों, कदी बच्चियां वालों, कदी गुआंढियां वालों, ते कदी विरोधियां वालों, किसे ना किसे रूप च हमेशा याद रखना,
कोई भी परेशानी आउंदी है, चाहे शरीर वालों, चाहे परिवार वालों, चाहे बच्चियां वालों, चाहे गुआंढियां वालों, किसी भी रूप च शैतान का एक ही टारगेट है कि तुहाडी निष्ठा नू कमजोर करे, तुसी निराशा च चले जाओ। जदों तुसी निराशा च चले गए उदों तुहाडी निष्ठा गई। उन्हां सारियां स्थितियां च ऐदां अटल खड़े रहो, बई इह दुख नहीं, ये परेशानी नहीं, ये मेरे लिए बरकत वा। ताली मारी है, ये मेरे लिए की है, बोलते नहीं, ये मेरे लिए बरकत। जब तुसी ये समझ लग पे तो जेड़िया बरकत तुसी मांगते हो ना वो आपे ही आने लग पैनगी। जेड़ियां बरकतां दी तुसी इच्छा रखते हो वो गरंटी नाल अपने आप आउंगी, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है वे तुसी कामलता वल नू वधो। सुनिए, ये भेत प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नू दिता ते उन्हों होशियार कर दिता। आपा खाली इत्थे नहीं रहना वे सानू 10 साल हो गए, 15 हो गए, वे तौबा कीती या बपतिस्मा लिया ठीक ठाक, आपा अगे वधना है। अगा आपा परमेश्वर दे वचन दे विच गहराई दे नाल सरगर्म होना है, उदियां चालां नू समझना है। वो सानू कित्थों कित्थों सट सकता है, वो सानू कित्थों कित्थों कमजोर कर सकता है। पढ़िए लूका दी अंजील 22 अध्याय उहदी 31 ते 32 है। हे शमौन, शमौन, वेख शैतान ने तैनू मंगिया है वी तुहानू कणक दी तरह फट के, पर मैं तेरे लिए बेनती कीती है जो तेरी नेचा जांदी ना रहे, पर जा तू मुड़े तो अपने भाइयों नू तकड़े करी। बस ए दो आयतां आ, बड़ियां गहरियां गल्लां आ इहदे विच। शमौन, शमौन पतरस, शैतान ने तुहानू मंगिया आ, जिदा शैतान ने परमेश्वर नू कहा वे अयूब तो अपना हाथ दा परे हटा तो तैनू फिटकारेगा, तू ओदियां सारियां चीजां च बरकत दित्ती है, अपना हाथ हटा ला। ऐदां ही शैतान ने कहा पतरस नू जरा मेरे हाथ ही तां दे। पतरस नू जरा मेरे हाथ विच दे, फिर पढ़िए सैत। हे शमौन, शमौन, वेख शैतान ने तुहानू मंगिया है। हाँ, शैतान ने की कीता तुहानू, प्रभु कहिंदा है पतरस शैतान ने मंगिया की करन दे लई। पढ़िए बे कणक दी तरह तुहानू फट के, हाँ जिदा कणक पैना छज दे विच पा के छट दिया है, की करन दे लई, ओदे विच जिहड़ा फोकट है वो अगे आ जावे ते जिहड़े जिन्हां दाणियां च जान है वो पिछे रह जाए।
ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਫੋਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਫੋਕਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਟ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਿਸ਼ਚਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਯੇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਅਤੇ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਖੋਣਾ। ਖੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਘਾਟਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼, ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ। ਤਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਉਹਦੀ 10 ਜਾਂ 11 ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਦੂਤ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਦੂਤ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਅਸਲ ਜੱਤ ਸੱਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ
लंबे समय की नहीं गी, ये स्थिति थोड़े समय की है। ये स्थिति ने दुख वाली ने, कष्ट वाली ने, परेशानी वाली ने, जान लगे भी तुहानू बरकतां दे नाल भरपूर करके जाना। जिद्दां बदल जान लगे भी जमीन नू खुशहाल करके जांदे ऐदा जाना, ते ना कदी बदल रहे आ ते ना ही ये परेशानियां रहनी, चाहे किन्ने मर्जी घने संघने होण, कोई घंटा कोई दो घंटे कोई एक दिन ते कोई चार दिन, ते आखिर उन्हां दा अंत हो ही जांदा है। आखिर जदों सूरज अपने पूरे जोर दे नाल चढ़दा ते ये बदल आपे ही अलोप हो जांदे। जदों धर्म दा सूरज यीशु मसीह ने अपनी रहमत करनी है ते तुहाडियां परेशानियां दा सब अपने आप हल हो जाना, ते दाडे दुश्मन ने छड़ के तुहानू चले जाना है। इसलिए साडे लई अति ज़्यादा जरूरी है कि असी इस भेत नू समझिए निश्चा किन्नी कीमती है। जदों पत्रस ने फिर ये गल समझ ली तो वह बयान करता, पढ़िए पत्रस की पहली पत्री एक अध्याय उसकी 7 है। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਹਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਨਿਹਚਾ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਉਹੀ ਨਿਹਚਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਕਟ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਟੀ ਜਾਓ ਦਾਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਧਰਮੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਰਾਸਤਬਾਜ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਉਹ ਛੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਕੀਮਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ 'ਚ ਖਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਇਜ਼ਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ। ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਬੋਲੀਏ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਅਬਰਾਹਮ ਇਜ਼ਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
दुनिया के लिए नमूना सी। ताली बारी जिन्होंने अपनी धीरज नहीं छड़ी, जिन्होंने कलाम नू तकड़ाई ना फड़िया, जिन्होंने हर गल खुदा नू पहल दित्ती। जदों परमेश्वर अपने दूतां दे द्वारा नवियां ना गल करदा है ते उदों ही नवी ए गल कहंदे ने। केड़ी गल कहंदे ने? कि खुदा कहंदा मैं अब्राहम इजाक ते यकूब दा नमूना है। वह नमूने का हवाला दिंदा ते होर सुन लो, यहोशुआ दी पुस्तक दे विच जो मूसा का पीरियड खत्म हो गया, मूसा मर गया, तो खुदा ने यहोशुआ ना गल की ते उत्थे लिखिया कहिंदा जिद्दां मैं मूसा दे संग रहा मैं तेरे संग भी रहा। ताली मारी मूसा का भी हवाला बन ये नमूने की गल है। वधिया नमूना उन्हां दी निहचल ते ओ तुहानू भी वधिया बनाउणा चाहुंदा है। तुहाडे अंदरों फोकर कमियां दूर करके, चाहे वह दुख दे जरिए, चाहे वह कष्ट दे जरिए, चाहे वह परेशानी दे जरिए, तुहाडे अंदरों कालापन कढ के, तुहाडे अंदरों निराशा कढ के, उन्हें कुट कुट के तुहाडे अंदर गुण पैदा करना है। ते उन्हां गुणां दी कीमत परमेश्वर की दरगाह दे विच पैंदी। पढ़िए पहला पत्रस एक अध्याय उहदी 7 है। तां जो तुहाडी परखी होई निश्चा, इसे करके तुहाडी परख होंदी है क्योंकि उन्हें तुहानूं उत्तम बनाउणा है, उन्हें तुहानूं रूहानी ते जिस्मानी बरकतां नाल माला माल करना है। जिन्ना कीमती बर्तन होगा ना तो उन्नी कीमती वस्तु भी उहदे विच पाऊगा। सोने का बर्तन है तो उहदे च कीमती चीज़ां पैणियां, चांदी का बर्तन है उहदे च कीमती चीज़ां पैणियां, तांबे का बर्तन है उहदे मुताबक होना है, लोहे का बर्तन है उहदे मुताबक, तो जे मिट्टी का बर्तन है तो फिर आप जानते हैं भी उस की पैना, क्योंकि सानू सारिया का पता भी कीमती कड़ा है। तो तुम जो कीमती बर्तन बन गए तो कलाम च जिदा लिखिया एक खजाना मिट्टी के भांडिया बेच वा आ जो साडा शरीर है। ताली मारिए ये मिट्टी के बर्तन नू खुदा कीमती बनाना ये हैगा मिट्टी का। आदम मिट्टी तो तैयार होया सी, उहदी अंश है, पर इहदे विच खजाना बहुत जबरदस्त। पढ़िए तां जो तुहाडी परखी होई निश्चा, परखी होई निश्चा जिहड़ी नाश होण वाले सोने नालों, हाँ नाश होण वाले सोने नालों। ध्यान नाल सुनना, तुसीं कहिंदे सोना साडे तो है नहीं, आ जिहड़ी निश्चा है ना ये सोने नालों भी ज़्यादा कीमती है, ये सोने नालों भी जिथे ये निश्चा तुहानू पहुँचा सकती है उत्थे तुहाडा सोना तुहानू पहुँचा सोना कन्ना च पा लिया, गल च पा लिया, हत्थां च मूंदियां बना के पा लईयां ते तुरे जांदियां नूं डर लगदा ते बार बार मगर नूं देखदियां हुंदा तां नहीं कोई ते जे अंदर यीशु मसीह दा नाम होवेगा ते यीशु ते निश्चा होवेगी ते फिर ललकार दे जावांगे। सानू दुनिया की कोई ताकत भी यीशु तो अड कर फिर डर नहीं होगा, फिर तो मौत का भी नहीं डर,
ते ए पा के तुरे फिरो ते 50 बारी मगन मुड़ के देखना भावे डेगी पई। पत्रस कहिंदा आ, क्यों कहिंदा? क्योंकि गहराई च चला गया। जदों गुरु दे कोलों इह गल्लां सुन लईआं, अज सानूं ज्ञान नहीं गा तां असीं कहिंदे साडे कोल है ही कुछ नहीं। आ जिहड़ी तुसीं यीशु ते निश्चा करदे हो, इहदी गहराई च जाओ, इहनूं प्योर बनाओ, स्थितियां हालातां च घबराओ ना। इन्हें तुहाडा निश्चा ने गुरु दे नाल परमेश्वर दा रिश्ता मजबूत करना है। अपना रिश्ता मजबूत करो, फिर तुसी कहोगे वाकई मेरा परमेश्वर मेरे, मैनू किसी चीज की लोड़ नहीं, मैनू किसी चीज की थोड़ा अज ज्ञान नहीं गा। ज्ञान ना होने के कारण शैतान दिमाग च पाउंदा वो तेनू कई साल तो हो गए जाते नहीं, एवं तुरे आए लगता भी पता नहीं कुछ मिलना कि नहीं मिलना। इतों बदाना तो मिल ही जाता, होर की मिलना। जिहड़ी सब तो वड्डी चीज़ आ उदों मिलनी है जदों अपना मन अपना दिल खोल दिओ। तो जे नहीं खोलोगे फिर चाह पानी तो मिल ही जाना, तो चाह पानी तो साढ़े घर भी हैगा। इस करके उत्तम गल है कि निश्चा की गहराई नू समझो, खाण पीन तक ना रहो, क्योंकि यीशु मसीह के मगर चलण वाले कई किस्मों के लोग सी, चेलियां दे विच ही सीगे, भीड़ां च ही सीगे। प्रभु यीशु मसीह ने जदों हजारां नू रिजा दिता ते जदों अगे गए ते भीड़ दे विचों कहिंदे गुरु जी असीं तुहानूं लभदे ही, ते गुरु कहिंदा कहिंदा मैनूं पता तुसीं काहदे लभदे, कहिंदा मैनूं पता काहदे लई लभदे ही, कहिंदा उहनां रोटियां लई लभदे ही जिहड़ियां तुसीं खाधियां। रोटियां साडे घरां च वी है, भोजन साडे घरां च वी है, खाण पीण दीआं चीज़ां साडे घरां च वी है। इन्हां चीज़ां वलों ध्यान हटा के जिहड़ी क्वालिटी साडे अंदर गुरु भरना चाहुंदा आ, जे उह ना भर पई तां फिर सानूं इत्थे आउण दा कोई भी लाभ, उस चीज़ नूं फड़ो। इन्हां चीज़ां वलों ध्यान हटाओ, कोई खांदा खाई जावे, कोई कुछ करदा करी जावे, तुसी दूजे दी हालत देख के अपनी हालत ना बिगाड़ो। नमूना जेड़ा लेना उस सेवकां दा लवो, अनाड़ियां दा ना लवो, खाण पीण वालियां दा ना लवो, दुनिया दी दौड़ लाउण वालियां दा ना लवो। नमूना उन्हां दा लवो जेड़े सफल होए ने, ताली मारी लो, जिन्होंने अपनी जिंदगी नूं सफल किया है। तुसी मैनूं ये दसो भी तुहाडा बच्चा दसवीं च पढ़दा, तो जदों तुसी ट्यूशन रखाओगे तो किहदे कोल रखाओगे, किहदे कोल रखाओगे? जिहड़ा अठ पास, हाँ जी हुण नहीं बोलना, दसवीं जो तुहाडा बच्चा पढ़ता तो तुसी ज्यादा पढ़े दे कोलों ट्यूशन रखाओगे कि इहनू सिखा दे को, ते तुसी उत्तों तां नहीं रखाओगे जिहड़ा अठ पढ़िया। फिर तां तुहाडी ट्यूशन ने बैक गेयर ला देना। ते हुण हुंदा इदां ही है, असीं किहदी नकल करदे हां? जिहदे पल्ले कुछ नहीं, भी वह इदा करता चल भी अं भी यही कर, वो खाण पीन की दौड़ ला अभी भी उही दौड़ लाई जाए। तो जरूरी है कि अपना समा खराब नेचा के भेत न समझ, जितने नेचा का भेत समझ लिया
आ दुनिया दीयां चीज़ां तुहाडे पिछे फिर तुहाडे मगर होणगीयां, फिर तुसीं कहना सानू इन्हां चीज़ां दी लोड़ है, फिर तुसीं चक्की का कहोगे मैं अद्धा माल गरीबां नूं वंड दिंदा। ताली मारिए जोर से। पहला जक्की कट्ठा करता सी, पर जो ओदियां अखां खुल गईयां तो फिर वह वंडन लग पिया। ताली मारिए जोर से। तुहाडे भी यही हालत बनी, जिदन तुहाडियां अखां खुल गईयां, जिदन तुहाडियां अखां खुल गईयां ना उदन तुहाडी भी यही हालत होनी है। फिर तुहाडा रोटियां वल, खाण पीण वल, दुनिया दीयां चीज़ां वल, दुनिया दीयां बरकतां वल नहीं दौड़ लगनी। फिर होना मेरे लिए सब कुछ यीशु ही है, मैनू मेरा गुरु मिल गया है। हालेलुया। ये पतरस ने जान लिया, तद वह बयान करदा, पढ़िए, ता जो ताडी परखी हुई निश्चा, परखी हुई निश्चा जिहड़ी नाश होण वाले सोने नालों, हाँ सोना जिने नाश हो जाना, नाश होण वाले सोने नालों भावे अग विच ताया भी जावे, हाँ ध्यान नाल सुनिए, भावे अग विच ताया जावे, इहदा मतलब समझदे हो, सोना जदो अग विच ताया जांदा उहदी मिलावट निकल जांदी, प्योर हो जाता, तो जो प्योर हो जाता उहदी फिर कीमत बढ़ जाती। पतरस ये कहना चाहता भावें किन्ना भी कीमती होवे फिर भी वह नाशवान है। ताली मारिए जोर, भावें किन्ना भी कीमती बन जाए तदे वह जमानदरू लंगे नूं कहिंदा रसूलां दे करतब दे विच, वो कहिंदा सोना चांदी है नहीं साडे को, यीशु मसीह दा नाम कहिंदा असीं उस गल नूं फड़ लिया जिहदे विच जिंदगी है, जिहदे विच जीवन है। उन्हें निश्चा दे विच तकड़ाई दे नाल अपना कदम रखिया, इसे लई इत्थे बयान करदा है भावें किन्ना भी ताया जावे। अगे ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਵਿਲਜੂ ਆ। ਥਾਲੀ ਵਾਰੀਏ ਨੇਚਾ ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਨੇਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਿੰਥੀਆ 12 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਫੜ ਲਈ, ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਭ ਪਈ, ਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 44 ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
अगे जे पिता जी ने मेनू घल्या ओनू ना खिचे ए पिता दी बलवा ए पिता ने अपनी रहमत पवित्र आत्मा दे द्वारा तुहाडे उत्ते कीती है ए छोटी जी गल नहीं गी ओए बहुत वड्डी गल वा उन्हें तुहानू अपनी परजा बनाया आ उन्हें चुन लिया आ उन्हें संसार तो बखरे कीता आ उन्हें तुहानू अपना ज्ञान दिता आ कोई मेरे को आ नहीं सकता जद तीकर पिता पढ़िए जे पिता जी ने मेनू घल्या ओनू ना खिचे हाँ पिता ना रहमत करे अगे अते मैं अंत दे दिन ओनू जींदा उठावांगा अंत दे दिन तक वादा करदा है कोई मेरे को आ नहीं सकदा जे पिता जी ने मेनू घल्या ओनू ना खिचे जिन्हें मेनू घल्या ओनू ना खिचे नेचा उत्ते ही नहीं ये पवित्र आत्मा का वरदान इसलिए मेरे भाई भैनों साडे लिए अति ज़्यादा जरूरी है असी नेचा च तकड़े होइए इनू गवाइए ना इहदी सांभ संभाल करिए ते इहदे विच वाधे चले जाइए ते जदों दुश्मन साडी जिंदगी च हालात पैदा करदा ते असी खड़े होइए कि तू मेरा कुछ भी बिगाड़ निराशा च नहीं जाना निराशा च नहीं जाना जे तुसी निराशा च चले गए फिर तुसी कमजोर पै जाना ते तुसी अपने विरोधी नूं कदी भी जित नहीं सकते और इसे लई उत्थे इना जिहड़ी शुरुआत असी कीती सी उत्थे कलाम दे विच लिखिआ आ कहिंदा मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका मैं दौड़ मुका चुकी है ये साडा एक युद्ध आ जिहदे बारे अगले समय दे विच आपां प्रचार करांगे एक युद्ध आ साडा आत्मा एक शरीरक लड़ाई है एक आत्मक लड़ाई है इसलिए साडे लई खड़े रहना तकड़े रहना बड़ा जरूरी है घुटनिया ते आया